आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव प्राइवेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में बताना चाहूंगी। जी हाँ, आप लोग जिनको बहुत दिनों से मतलब कि बेसब्री से इंतजार था बिहार दरोगा की वैकेंसी का, तो फाइनली आप लोग को मंजूरी मिल चुकी है। मतलब बिहार दरोगा की वैकेंसी कितने पोस्ट के साथ आई है, ये कब तक अप्लाई करने का फर्स्ट डेट क्या है और लास्ट डेट का क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये प्रोसेस कितने दिनों में करवा ली जाएगी, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करा है तो जल्दी से लग जाओ पढ़ाई में। यदि दो स्टार्ट लेना है तो जल्दी से जाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज के वीडियो के में आप लोग देखोगे बिहार दरोगा की वैकेंसी कितने पोस्ट के साथ आई है और इसको मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि आपको कल के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं सारी खबरें आपको बिहार दरोगा की देना चाहूंगी। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूज रहेगी जो कि सरकारी जॉब से जुड़ा हुआ रहेगा सबसे पहले आप तक अपडेट करवाया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगी यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो सबसे पहले आप तक खबर जाएगी। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे बिहार दरोगा जो कि कितनी फोर्स के साथ आई है, तो सबसे पहले वो मैं बताना चाहूंगी। आप लोग के साथ सस्पेंस ज्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिनों से इसका इंतजार किया है। तो आज मैं बात करूंगी बिहार दरोगा जिसको मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है। दो स्टार, बहुत का ड्रीम होता है, तो 2023 इस बार छोड़ना नहीं है आप लोग को, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को सारे डिटेल बताऊंगी, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि आप लोग जानोगे दरोगा का सामान्य भर्ती, यदि टोटल पोस्ट के बारे में बोला जाए तो टोटल पोस्ट आपका कितना आया है, टोटल पोस्ट आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, टोटल पोस्ट 5979, इतना पोस्ट आया बिहार दरोगा का, जो कि बहुत अच्छा मौका है। आप लोग को ये मौका आप लोग छोड़ना मत, इस बार ले लेना, क्योंकि पिछले बार जिन्होंने मेरिट में छटा है वो तो इस बार छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब अब उनकी रिवीजन की बारी है। तो आप लोग को भी पता होगा कि उनके साथ आपका कंपटीशन, यदि आप इस बार फील्ड में नए आए हो तो जल्दी से जाओ और तैयारी स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको मुकाबला करना है मेरिट वालों के साथ जिनको ऑलरेडी तैयारी हो चुका है। तो आपको तो और दुगनी स्पीड से तैयारी करना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली वैकेंसी आ गई है। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब जल्दी से जाना, पढ़ाई स्टार्ट कर देना, क्योंकि इस बार मौका छोड़ना नहीं है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो मौका मिला है तो मौका पे चौका भी मारना सीखो। तो देखो दरोगा का सामान्य भर्ती सारा मैं यहाँ पे आप लोग को जानकारी दे दूंगी। दरोगा का सामान्य भर्ती जो कि सबको इसका पोस्ट का इंतजार रहता है, ये कितने पोस्ट के साथ आई, तो 2353 पोस्ट, 2353 पोस्ट ये इसके लिए आप लोग को मुकाबला करना है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया 5979 पोस्ट किसके लिए आया, तो दरोगा कौन से पोस्ट में, डाई 112 के लिए, 112 के लिए इसमें कितना आया दरोगा का, तो इसमें आया 1456 पोस्ट। इसके साथ साथ मैं बात कर रही हूँ दरोगा खनन विभाग, खनन विभाग में 1224 दरोगा, मध्य निषेध के तहत कितना पोस्ट आया दरोगा का, 946 पोस्ट, टोटल मिलाकर 5979 पोस्ट। इसका यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि गृह विभाग द्वारा इतना पोस्ट की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि आपको बिहार दरोगा के लिए आप लोग को करना क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आपको मैं पीडीएफ भी पूरा दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में, जो कि ऑलरेडी गृह विभाग ने मंजूरी मिल चुकी है इसे। तो अब आप लोग को करना क्या, फाइनली आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि दरोगा सामान्य भर्ती जो कि इसका सबको इंतजार रहता है, जो 2353 पोस्ट में दो स्टार जो लगा है,
ये अपने कंधों पर जिन्हें सजाना है, तो अभी से मैं बता रही हूँ आप लोग को तैयारियां स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आप लोग को पता है, दरोगा बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, मतलब फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को स्टडी तो करना ही करना, इसके लिए आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना होगा। तो आपको दरोगा 353 करना है। तो इसके साथ साथ आपको एक मेन बात मैं बताऊं कि ये पोस्ट के लिए आपको किन से कंपटीशन है, तो मेरिट वाले जो पिछले मेरिट में छठे हैं, तो आपको पता है कि उनका तैयारी ऑलरेडी हो चुका है और आपको उनके साथ मुकाबला करना। जो कि नया स्टूडेंट हो, तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अपना स्पीड दुगना करके चलना होगा, क्योंकि यदि आप वैसे नहीं चलोगे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, लेकिन आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। यदि आप लोग को इसमें हेल्प चाहिए, मतलब कि स्टडी में हेल्प चाहिए, तो आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बेस्ट स्टडी क्या होता है, जो सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो सेल्फ स्टडी के तहत आप लोग को यदि नोट्स चाहिए, जैसा कि जीके जीएस का सारा नोट्स बन चुका है, तो बिहार दरोगा के लिए आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जीके जीएस मैथ, और सबसे ज्यादा रोल निभाता है करेंट। जिसका करेंट हो अच्छा होगा, उसका इजी वे में पीटी हो जाएगा, क्योंकि इतना तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता। तो करेंट पे जी अभी से पकड़ बना लो, क्योंकि ये एक साल से डेढ़ साल तक का करेंट अफेयर पूछा जाता है इसमें। तो आपका करेंट अफेयर सही हो और जीके जीएस सही हो, तो ऐसे ही आप पीटी क्वालिफाई कर लोगे। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो सेल्फ स्टडी को करना है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ यदि आपको नोट्स अभी तक नहीं आप लोगों ने परचेज किए, जैसा कि आप लोगों को सभी का नोट्स बन चुका है, तो जल्दी से जाओ नोट्स परचेज करो, अपनी स्टार्ट कर दो स्टडी, क्योंकि आपको इस बार मौका चुकना नहीं है। चाहे वो दरोगा सामान्य भर्ती के लिए हो, या दरोगा डायल 112 के लिए हो 1456 पोस्ट, दरोगा खनन विभाग के लिए हो 1224 पोस्ट, दरोगा मद निषेध के तहत 946 पोस्ट, मतलब कि टोटल 5979 पोस्ट में दो स्टार अपने कंधों पर सजाना है। इसमें एक पोस्ट अपने नाम करना है, तो मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। जी हाँ, मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। अब कोई सारे काम को साइड में रखो, ओनली स्टडी पे फोकस करो, और जब तक दो स्टार अपने कंधों पर नहीं सजा लेते हो, मेहनत करते रहो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारों का सपना होता है दरोगा दो स्टार, तो जरूर वो दो स्टार तक पहुंचो, मतलब बीपीए में अपनी ट्रेनिंग जरूर करो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी जल्द मिलती है, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो थैंक यू।